हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स। और बायोलॉजिकल रिदम्स मतलब हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडी है वो एक पर्टिकुलर रिदमिक मैनर में काम करती है अकॉर्डिंग टू द डे एंड नाइट पैटर्न। तो उसको हम समझते हैं ये क्या चीज़ है, ओके? और इसकी स्टडीज़ को हम क्रोनोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो देखें हम क्या है, क्रोनोबायोलॉजी की डेफिनेशन अगर हम समझें तो ग्रीक वर्ड क्रोनोस मीन्स टाइम एंड बायोलॉज मीन्स लाइफ, एंड स्टडी ऑफ लाइफ इज बेसिकली क्रोनोबायोलॉजी। यहाँ पे हम जो भी लाइफ टाइम है या फिर टाइम इन अ लाइफ है उसको स्टडी कर रहे हैं। और ये बायोलॉजी का एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम दैनिक क्रियाएं जो है हमारी उन सबको हम एक पीरियोडिक मैनर में, एक पीरियोडिक फिनोमेना में या साइक्लिक फिनोमेना में स्टडी करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ लाइफ फॉलो करते हैं, उसकी स्टडी कहलाएगी क्रोनोबायोलॉजी। और ये जो पैटर्न लाइफ है, ये जो पीरियोडिक या साइक्लिक फिनोमेना है हमारी लाइफ में, वो डिपेंड करता है सन और मून के रिदम्स के ऊपर कि किस तरीके से सन एक पर्टिकुलर मैनर में आ रहा है, सनराइज हो रहा है, देन सनसेट हो रहा है। इसी पैटर्न में हमारी बॉडी भी बिहेव करती है। तो जिस तरीके से क्लॉक आपकी साइक्लिक पैटर्न में चलती है, वैसे ही हमारी बॉडी, बायोलॉजिकल बॉडी भी एक रिदमिक पैटर्न में, साइक्लिक पैटर्न में चलती है, जिसे हम बायोलॉजिकल रिदम्स कह रहे हैं। बायोलॉजिकल रिदम्स हमेशा आपकी सेल्फ सस्टेनिंग होंगी और ये आपकी जो भी नेचुरल साइकिल है एनिमल की उसके ऊपर आत्मनिर्भर रहेगी। तो मतलब हमारी डिपेंडेंसी है हमारे बायोलॉजिकल रिदम के ऊपर कि दिन हुआ तो हमें उठना है और रात हुई तो हमें सोना है। तो इस तरीके का एक जो आपकी आत्मनिर्भरता है किसके ऊपर, सोलर एंड लूनर रिदम्स के ऊपर, वो बायोलॉजिकल रिदम कहलाती है। अब सर्टेन अदर फैक्टर्स इस बायोलॉजिकल रिदम को इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं उन्हें हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे हम देखें तो जो भी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं वो इननेट बाय बर्थ हमें मिलती हैं और इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल्स होते हैं। स्पेसिफिकली बहुत सारे हॉर्मोन्स की बात करें हम तो हमारी बॉडी से रिलीज होने वाले कुछ हॉर्मोन्स इस बायोलॉजिकल क्लॉक को स्टिमुलेट या फिर इन्हेंस करते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो बायोलॉजिकल रिदम है इसकी स्टडी एरविन बनिंग ने की थी 1936 में। इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया था कि किस तरीके से सोलर एंड लूनर जो रिदम्स हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं हमारे बॉडी क्लॉक को। तो ये दिस वन इज़ अ बॉडी क्लॉक और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पेट में कोई क्लॉक होगी, नो। लेकिन जो हमारी बॉडी बिहेव करती है या किस तरीके से हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और हमारे जो भी बिहेवियर है, बिहेवियरल पैटर्न, वो डिपेंड करता है सन के राइज होने पे, देन नून टाइम पे, देन सनसेट पे एंड फाइनली नाइट टाइम पे। इसे ही हम बायोलॉजिकल रिदम कह रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स की बात करें तो इसमें कुछ टाइप्स आते हैं जिनको हम एक एक करके मेंशन करेंगे, जैसे सर्कैनल रिदम्स, सर्का ल्यूनर रिदम्स, देन टाइडल रिदम्स जिसमें आती है सर्का सिजाइक रिदम्स एंड सर्का टाइडल रिदम्स, नेक्स्ट आती है सर्कैडियम रिदम्स। तो ये सारी रिदम्स हम एक एक करके बायोलॉजिकल रिदम्स को स्टडी करेंगे। सर्का एनुअल रिदम्स की बात करें तो टर्म समझ में आ रहा है खुद ही, सर्का रिप्रेजेंट सर्कुलर, तो एक साइक्लिक पैटर्न, एनुअल रिप्रेजेंट ईयरली। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी रिदम्स हैं, जो भी हमारे स्पेसिफिक पीरियडिसिटी है किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर की या पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की, वो डिपेंड कर रही है एनुअल यानी कि ईयरली पीरियडिसिटी पर। किस पर डिपेंड कर रही है, एक साल में होने वाली ईयरली पीरियोडिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी जब बायोलॉजिकल रिदम, तो उसे हम सर्का एनुअल रिदम कहेंगे, ठीक है। द बायोलॉजिकल रिदम दैट शो वन ईयरली पीरियोडिसिटी आर कॉल्ड सर्का एनुअल रिदम्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम इसमें तो बहुत सारे एनिमल्स आप देखेंगे तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं साल भर में एक ही बार, या फिर कई सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो साल भर में एक ही बार अपने फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस तो आपने देखे होंगे कि कई बार वो सिर्फ जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे या फिर जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में तभी वो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं और रेदर वो हाइबरनेशन में रहते हैं। तो इस तरीके से उनका एक साइक्लिक पैटर्न है हाइबरनेशन का और अपनी एक्टिविटी शो करने का। तो एक टाइम पे वो एक्टिव रहेंगे, एक टाइम पे हाइबरनेट रहेंगे। तो साल में एक ही बार वो एक्टिव होंगे और इसी ढंग से साल में एक ही बार वो हाइबरनेट होंगे। इस तरीके की एक्टिविटी सर्का एनुअल रिदम्स कहलाएंगी। हमिंग बर्ड्स को देखें हम तो ये भी आपके इनएक्टिव रहती हैं विंटर्स में, जबकि ये समर्स में अपना माइग्रेशन शो करती हैं।
वहीं हम देखें मोनाश बटरफ्लाइज होती हैं जो आपके नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको की तरफ मूवमेंट शो करती हैं, तो इनका ये जो माइग्रेशन है नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको की तरफ और वापस से मैक्सिको से नॉर्थ अमेरिका की तरफ, ये साल भर में एनुअल रिदम की तरह चलता है। तो एक साल में एक ही बार ये नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको और मैक्सिको से वापस एक ही बार नॉर्थ अमेरिका जाएंगी। तो इस तरीके का रिदम आपका सिरका एनुअल रिदम कहलाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, वो भी आप अपनी एक्टिविटी और हाइबरनेशन शो करती हैं। बीटल्स हो गए, ये भी आप देखें तो जो हिमालयन बीटल्स हैं ये हाइबरनेट हो जाते हैं बर्फ़ के अंदर, और ये सिरका एनुअल रिदम पैटर्न है इनका। नेक्स्ट जो आर्कटिक और एंटार्कटिक एनिमल्स हैं वो भी इस तरीके के सिरका एनुअल रिदम्स को शो करते हैं। तो दिस इज अ मोनाच बटरफ्लाई बीटल्स एंड दिस इज अ हमिंग बर्ड बीटल, ये सारे के सारे आपके शो करते हैं सिरका एनुअल रिदम्स। तो ये माइग्रेशन और हाइबरनेशन और एक्टिविटी साल भर में एक ही बार शो करते हैं। नेक्स्ट है सिरका लीनियर रिदम्स, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा सिरका रिप्रेजेंट सर्कुलर पीरियोडिक मैनर और ल्यूनर मतलब मून के ऊपर जो डिपेंड करेगा, तो मून के रिदम्स के ऊपर जो डिपेंड करेगा वो आपके सिरका ल्यूनर रिदम्स कहलाएंगे। वो आपके 28 डेज के जो फेज होती है मून का उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इसमें आपके टाइडल रिदम्स भी आएंगे, किस तरीके से टाइड्स आते हैं। तो आप देखें देखोगे तो जब फुल मून होता है या फिर आपका नो मून होता है तो उस टाइम पे अधिकतर आपकी जो फेजेस नज़र आती हैं रिदम्स की, बायोलॉजिकल रिदम्स की, उनको हम सिरका ल्यूनर रिदम्स कहेंगे। जैसे पोलालो वॉर्म्स है एक, तो वो ये आपका वैसे तो साल भर तक कहाँ रहता है, मतलब नॉर्मली जो अपना टाइम स्पेन रहता है इसका, ये समंदर में नीचे रहता है, बहुत नीचे तले पे रहता है। लेकिन जब भी क्या होता है ल्यूनर रिदम्स आती है, यानी कि 28 डेज में जब भी फर्स्ट डे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून आता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है सरफेस पे आके तैरना शुरू करता है। तो सिर्फ उसी टाइम पे ये फर्स्ट डे और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून में सरफेस पे वाटर सरफेस पे आके तैरता है, बाकी ये डीप सी में ही रहता है। इस रंग से सी हेयर की बात करें एप्लाइजिया, तो ये भी पीरियोडिसिटी शो करता है ल्यूनर साइकिल के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखें ये आपका ल्यूनर साइकिल है, तो ये इस ढंग से आपका हमने देखा दिस इज फुल मून, और इस तरीके से जिस तरीके से ल्यूनर फेजेस काम करती हैं वैसे ही ये 28 डे की साइकिल में जो इंडिविजुअल्स परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर इन ईच ल्यूनर साइकिल, उसे हम कहेंगे सिरका ल्यूनर साइकिल्स। तो यहाँ पे हम देखें दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, देन वैक्सिंग क्रिसेंट, ये आपका क्या हो रहा है मून में जो साइज है वो अब और कम हो गया, तो दिस इज वैक्सिंग क्रिसेंट, जब ये कम हो गया हाफ से आधा आ गया। देन न्यू मून, यहाँ पे कोई भी मून नज़र नहीं आ रहा है, जब ब्लैक मतलब अंधेरी रात होती है अमावस्या जो है उसे हम कह रहे हैं न्यू मून। तो अब यहाँ पे न्यू मून के बाद हम देखें तो अगेन वेनिंग क्रेसेंट, वेनिंग जिसमें अब न्यू मून में बिल्कुल भी हमें चांद दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वेनिंग क्रेसेंट आता है तो चांद हमें दिखाई देने लगता है। देन लास्ट क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर था हाफ, देन लास्ट क्वार्टर, देन वेनिंग गिब्बस, तो वेनिंग गिबस ठीक वेनिंग क्रेसेंट का उल्टा होगा, इसमें इतना ही मून दिखाई दे रहा था, इसमें बाकी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मून दिखाई दे रहा है और ये नहीं दिखाई दे रहा है वेनिंग क्रेसेंट में जितना दिख रहा था। नेक्स्ट फुल मून जिसमें पूरा मून हमें दिखाई देता है पूर्णमासी जिसे हम कहते हैं, देन वैक्सिंग गिबस, तो ये आपका ठीक उल्टा होगा वैक्सिंग क्रेसेंट की, और देन फर्स्ट क्वार्टर ही है। तो वो फेजेस जो फर्स्ट क्वार्टर इस टाइम पे ही नज़र आएंगी कि इस 28 डे साइकिल की मून की ल्यूनर साइकिल जो है इसमें सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में ही जो आपके एक्टिविटीज़ को इंडिविजुअल की नज़र आएंगी उसे हम कहेंगे सिरका ल्यूनर रिदम्स। तो ये आपके ये जो आपके एप्लीजिया है या फिर आपका जो भी एग्जांपल्स हमने देखे यहाँ पे एप्लीजिया या पोलैलो वॉर्म, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं आपके सिरका ल्यूनर रिदम्स के। अच्छा एक आपका हम रिप्रेजेंट करें तो दिस इज अ इंसेक्ट, और अधिकतर आपके इंसेक्ट्स जो हैं वो इस तरीके के बिहेवियर शो करते हैं जो सिरका ल्यूनर पैटर्न के होते हैं। तो नेक्स्ट है ये टाइडल रिदम्स, टाइडल रिदम्स में आते हैं वो सारे के सारे रिदम्स जो राइज और फॉल ऑफ सी लेवल पे डिपेंड करते हैं। ओके तो इसमें राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल जो कि ग्रेविटेशन पुल के कारण होता है, जो सन और मून के बीच में जो ग्रेविटेशन पुल लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण, वो आपका टाइडल रिदम कहलाएगा।
यहाँ पे हम देखें तो जो टाइड्स होते हैं, जो डेली टाइड्स आते हैं, वो अर्थ के रोटेशन के कारण होते हैं कि अर्थ किस तरीके से अपनी एक्सेस पे, अपनी धुरी पे घूम रही है। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके किस तरीके से जो एक्सेस ऑफ अर्थ है, वो अर्थ को रोटेशन जो हो रहा है उसके बेसिस पे जो आपके टाइड्स आते हैं वो आपके दो तरीके के होंगे। एक होगा स्प्रिंग टाइड, दूसरा होगा नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड जब हम देखेंगे कि मैक्सिमम राइज एंड फॉल इन द सी लेवल नज़र आएगा हमें, सबसे ज़्यादा मतलब जो समंदर का लेवल है वो सबसे ज़्यादा उठेगा और गिरेगा, उसे हम स्प्रिंग टाइड कहेंगे। ओके, दूसरा आता है नीप टाइड्स। नीप टाइड्स होते हैं जब जो भी आपका सन और मून के कारण अपोजिट फेजेस में, यानी कि इसमें सी लेवल का जो राइज है वो ज़्यादा नहीं होगा नीप टाइड्स में, स्प्रिंग टाइड्स में लेवल ज़्यादा होगा। आप क्यों होगा ये समझते हैं, तो दिस इज़ अ फिगर। यहाँ पे हम देखें स्प्रिंग टाइड टाइड्स ज्वारभाटा जिन्हें हम कहते हैं, तो ये आपका न्यू मून था। न्यू मून में क्या है कि जो आपका सन है वो ठीक आपके मून ठीक बीच में है और आपका अर्थ है दिस वन। अब क्या हुआ कि जो आपका अट्रैक्शन है किसका, अर्थ का अपना सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है और यहाँ पे एक ग्रेविटेशन पुल लग रहा है किसका, मून का, अर्थ का। और ये जो आपस में इनका अट्रैक्शन फोर्स है मून और सन के बीच का, मून और अर्थ के बीच का, वो न्यू मून के कारण क्या हो रहा है, जो भी आपका सी लेवल है अर्थ में वो इस तरफ एक्सपैंड कर रहा है, दिख रहा है ये यहाँ पे इस तरफ एक्सपेंड कर रहा है, तो इसे हम ल्यूनर टाइट कह रहे हैं। और इधर की साइड अगर एक्सपेंड करता है जब फुल मून इधर होगा, ये मून आपके अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो जब मून इधर था तो ये मून की तरफ एक्सपेंड कर रहा है इधर सी लेवल, और जब मून इधर होगा फुल मून के टाइम पे तो इधर की साइड आपका जो समंदर है वो इधर की साइड मून की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके के जो ज्वारभाटा आता है जो आपका मूवमेंट शो करता है हाई लेवल इस साइड में, जब सोलर डायरेक्शन में, सोलर डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। और जब हम नीप टाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे मून, अर्थ और आपका सन एक ही लेवल पे नहीं होगा, एक ही रेडियस पे रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, सन ये है तो मून ऊपर या नीचे होगा अर्थ के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये सब आपकी सिमेट्री में थे, एक ही लाइन में थे, लेकिन अब क्या है, ये अपोजिट है अर्थ के और आपके सन के। तो यहाँ पे मून इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड क्वार्टर ऑफ मून, और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून के टाइम पे ही ये अर्थ के ऊपर और नीचे प्रेजेंट होगा, यानी कि सन के लीनियर नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो ज्वारभाटा आएगा वो किस तरफ जाएगा, जिस तरफ मून है। तो इस तरफ ज्वारभाटा जो आया है मून, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ एंड मून और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण ज्वारभाटा इस तरीके से आएगा, तो उसे हम कहेंगे नीप टाइड। ओके, तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के ऊपर जो आपकी रिदम्स चलेंगी वो आपके टाइडल रिदम्स कहलाएंगे। ओके, तो यानी कि कब कब होंगी इस तरीके के रिदम्स, जब फुल मून होगा या न्यू मून होगा, या फिर जब थर्ड क्वार्टर मून होगा या फर्स्ट क्वार्टर मून होगा। नेक्स्ट है सिरकासाइजिक रिदम्स, ये आपकी टाइडल रिदम्स का ही एक फॉर्म है। तो इस तरीके के रिदम्स हमेशा फोर्टनाइटली होंगी, मतलब आधी रात में होंगी, और ये लगभग 14.7 डे के टाइम पे हाई टाइड पे नज़र आएंगी। और जब न्यू मून होगा उसके बाद जब हाई टाइड आएगा तो उस टाइम पे ये नज़र आएंगी, ठीक है। तो सिरकासाइजिक रिदम्स क्या होंगी, अमावस्या और पूर्णमासी में ही नज़र आएंगी, ये समझ लीजिए, ठीक है। सिरकासाइजिक रिदम्स अमावस्या और पूर्णमासी में ही नज़र आएंगे, फुल मून और न्यू मून में ही नज़र आएंगे जब हाई टाइड होगा, यानी कि 14.7 डेज के बाद जब फिर से अमावस्या आएगी, और फिर अमावस्या के बाद 14.7 डेज के बाद जब पूर्णमासी आएगी, तो उस टाइम पे ही जो फेजेस नज़र आएंगी, बायोलॉजिकल रिदम्स नज़र आएंगी, उन्हें हम सिरकासाइजिक रिदम्स कहेंगे। जैसे मोलस्क में, अंडे देने की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके के रिदम्स पे डिपेंड करती है, वहीं पेरिविंकल जो फ्लावर होता है सदाबहार, वो भी इस तरीके के हाई टाइड्स के ऊपर डिपेंड करता है जो न्यू मून और फुल मून के टाइम पे आती हैं। तो दिस वन इज बिहेवियर, ये हम देख रहे हैं हाई टाइड। तो ये ज्वारभाटा कुछ इस तरीके से आता है। तो हम देखें जो आपके स्नेल्स हैं या फिर पेरिविंकल्स हैं, ये सब आपके रिप्रेजेंट करते हैं टाइडल फुल मून और आपके न्यू मून के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हाई टाइड्स
कब होंगे? जब आपका फुल मून होगा या नो मून होगा। ओके, अब सिरका टाइडल रिदम्स की हम बात करें तो सिरका टाइडल रिदम्स 12.4 या 24.8 आवर्स के रिदम्स होंगे और ये हमेशा लो और हाई टाइड पे डिपेंड करेंगे। तो 24 घंटे में आपके दो बार, ट्वाइस अ डे, मतलब ये इस तरीके के रिदम्स नज़र आएंगे। ओके, तो ट्वाइस अ डे मतलब जब भी टाइडल टाइड्स आ रहे हैं, हाई टाइड और लो टाइड्स आ रहे हैं, उस टाइम पे दो बार जब एक्टिविटी होगी किसी भी बायोलॉजिकल रिदम की, वो हम कहेंगे सिरका टाइडल रिदम्स। तो सिरका साइजिक रिदम्स में क्या था, सिंगल टाइम हो रहा था, न्यू मून और फुल मून में एक ही बार एक बायोलॉजिकल रिदम नज़र आ रहा था। तो अंडे देने की प्रक्रिया हर 14.7 डे के बाद नज़र आ रही थी एक ही बार, ऐसे नहीं दो बार दिन में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब भी हाई टाइड या लो टाइड होगा तो उस टाइम पे दो बार, दिन में दो बार इस तरीके की बायोलॉजिकल रिदम्स नज़र आएंगे। तो जैसे हम देखते बहुत सारे पॉलीशीट्स में या प्लेनेरियंस में या क्रैब में इस तरीके की एक्टिविटी नज़र आती है, जिसमें कि वो अपना खाना खोजने के लिए सिर्फ टाइडल मोमेंट्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो जैसे ही टाइड आता है तो ये अपना खाना ढूंढने के लिए वाटर करंट्स की तरफ जाते हैं और ये प्रोसेस ये हाई टाइड और लो टाइड में दो बार करते हैं दिन में। तो 24 घंटे के या फिर 12.4 आवर्स में और फिर दोबारा 24.8 आवर्स में, ये दो बार इस तरीके की प्रोसेस करते हैं जब भी हाई टाइड या लो टाइड होता है। अब नेक्स्ट देखिए हम माइटिलिस। माइटिलिस में जो शेल ओपनिंग रिदम है, वो अपना शेल जो है ओपन करते हैं, माइटिलिस आपके मॉलस्क है, तो ये टाइडल रिदम रिप्रेजेंट करता है हमेशा किसके ऊपर, जब आपका हाई टाइड या लो टाइड है तभी ये माइटिलिस अपना शेल ओपन करेगा। तो एक तो करेगा हाई टाइड, जैसे ये आज हाई टाइड है तो ये 12.4 आर, आज के दिन में 12.4 आवर्स जैसे टाइड शुरू हुआ, टाइड शुरू हुआ मतलब फुल मून है या फिर नो मून है, तो आज जैसे फुल मून है तो ये अभी से अभी, यानी कि जैसे मून न्यू मून आया, तो पूर्णमासी है, पूर्णमासी में अभी से ये अपना शेल ओपन करेगा 12.4 आवर्स के बाद। ओके, और फिर उसे बंद कर देगा और फिर ऐसे ही 24.8 आवर्स के बाद ये फिर से अपना शेल ओपन करेगा और फिर बंद कर देगा। तो नो मून और फुल मून के दिन ही ये दो बार इस तरीके से अपना शेल ओपन करता है। इसे हम एक बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं जो कि सिरका टाइडल रिदम के नाम से जानी जाती है। ऐसी ग्रोनियन जो फिशेज हैं वो स्पॉन शो करती हैं हाई टाइड्स के टाइम पे और ये दो बार स्पॉनिंग यानी कि दो बार अंडे देती हैं जब भी फुल मून या न्यू मून में आपके टाइड्स आते हैं तभी। तो ये आपके माइटिलिस और क्रैप्स भी इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं और आपके पॉलीशीट्स भी इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं।